अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाज़रीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला ना जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757 तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी खास अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सकें। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसे भेजकर मदद करना चाहते हैं, तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, उस एतबार से हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही 200-500 हज़ार जो भी आप मदद कर सकते हैं, चैनल की मदद कीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए। सच और हक़ के इस बेबाक मिशन में हमारा साथ दीजिए। आइए इस वक्त पहली बड़ी दो खबरें पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान को लेकर आ रही है। जी हाँ, पहली बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि काबुल में नए साल के मौके पर धमाका हुआ, जिसमें 10 लोगों के जान बहक होने की खबरें आ रही है। अफगानिस्तान में यह वाकया इतवार के रोज़ एक ऐसे वक्त पर रुनुमा हुआ जब दुनिया साल नौ के नए साल की खुशियां मना रही थी, जश्न मना रही थी। वजारत दाखिला की तरफ से बताया गया कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इस धमाके के नतीजे में कई अफराद जख्मी भी हुए हैं और हलाक भी हुए हैं। यह धमाका अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक ऐसे हसास मकाम पर हुआ है जहां से कुछ दूर ही काबुल का बैनुल अक्वामी हवाई अड्डा वाक़े है। तालिबान की तरफ से बताया गया कि इस धमाके के बारे में हकायक जानने की कोशिश की जा रही है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान ज़राए का कहना है कि सुबह काबुल एयरपोर्ट के दाखिली रास्ते में होने वाले खौफनाक बम धमाके में 10 अफराद के जान बहक होने और 8 लोगों के जख्मी होने की इत्तला है। तालिबान इंतजामिया का कहना है कि पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। अभी तक किसी भी गुरोह ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। और अफगानिस्तान की दूसरी खबर यह आ रही है कि जिस तरीके से आप जानते हैं कि अफगान तालिबान ने बाकायदा जामियात, यूनिवर्सिटी में खवातीन के दाखिले पर पाबंदी और तालीम पर पाबंदी लगा दी है, इसी को लेकर खबर आ रही है कि अफगान मुअल्लिम ने ख्वातीन पर आयद पाबंदी के खिलाफ जद्दोजहद का अज़्म किया है। राबते आलम इस्लाम के सेक्रेटरी ने भी तालिबान के ख्वातीन की तालीम पर पाबंदी के इकदाम को बिल्कुल गैर इस्लामी करार दिया है। मुल्क भर की यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से ख्वातीन की तालीम पर पाबंदी लगाई गई है, इसको एक मौलिम ने लाइव टेलीविजन पर अपने डिग्री सर्टिफिकेट को फाड़ फेंक कर तूफान बरपा करने वाले अफगान माहिर तालीम ने अज़्म जाहिर किया है कि वो इस हुक्म के खिलाफ, यानी तालिबान के इस हुक्म के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। आई रजिन, इस वक्त फलस्तीन के हालात को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि 2022 अलविदा हुआ, ख़त्म हुआ,
लेकिन 2022 ने फलस्तीनियों को बहुत मुसीबतें पहुंचाई, बहुत दुख दिए। खबरें आ रही है कि फलस्तीनियों के लिए इब्तला और आजमाइश से भरा रहा 2022। इजरायली दरिंदों के हाथों, इजरायली आतंकी फौजों के हाथों साल 2022 में होने वाली हलाकतों का जायजा लिया जाए तो यह साल फलस्तीनियों के लिए इंतहाई दर्दनाक रहा। अरब न्यूज के मुताबिक गुज़िश्त साल के दौरान न सिर्फ बड़े पैमाने पर फलस्तीन में इंसानी नुकसान हुआ बल्कि इजरायली दरिंदगी में भी इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ इजरायल में इंतहाई कदामत पसंद जमात ने हुकूमत बनाई। फलस्तीनी हुकूमत के तर्जुमान इब्राहिम ने अरब न्यूज को बताया कि जिस पैमाने पर इजरायली फौज ने फलस्तीनियों को हलाक किया इस एतबार से 2022 फलस्तीनियों के लिए बड़ा बदतरीन साल रहा। सरकारी आंकड़ों, सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 12 महीने के दौरान मगरबी किनारे और गजा में 255 फलस्तीनी हलाक हुए हैं। ताहम इब्राहिम का कहना है कि फलस्तीनियों की जद्दोजहद के लिए अरब मुल्कों के अलावा बैनुल अक्वामी सतह पर जिस तरह से यकजहती का मुजाहरा किया गया है इससे उम्मीद पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक्वामी तंजीमों ने वाज़े किया कि उन्हें फलस्तीनी अवाम के हुकूक और मुतालबात की समझ है और वो फलस्तीनियों के साथ है। और एक एतबार से 2022 फलस्तीनियों के लिए इस तरह भी बेहतर रहा है कि 2022 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को अक्वामे मुत्तहदा यूएनओ की जनरल असेंबली में फलस्तीनी इलाकों पर इजरायली कब्जे से मुतालिक राय शुमारी हुई, वोटिंग हुई तो उसमें 87 मुल्कों ने फलस्तीन के हक में वोट डाला है। कॉन्टैक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेजाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाइयां हासिल करना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पर दर्द हो आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं देश विदेश में, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। नाज़रीन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है 2022 के अलविदा के मौके पर रूस और यूक्रेन के हालात को लेकर। वो खबर ये आ रही है कि रूसी मिसाइल हमले हुए यूक्रेन में, नए साल के आगाज पर कई शहरों में खतरे के सायरन बजाए गए। साल 2023 के आगाज पर यूक्रेन के शहर कीफ में मुतअद्दद धमाके सुनाई दिए जबकि दीगर शहरों में भी मुमकिना फजाई हमले से खबरदार करने के लिए खतरे के सायरन बजने लगे। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक सायरन की आवाज़ सुनते ही कीफ के शहरी अपने घरों की बालकनी पर निकल आए और यूक्रेन और उसके फौजियों के हक में नारेबाजी की। यूक्रेन के फजाई दिफाई सिस्टम ने मिसाइल को फजा में ही तबाह कर दिया, ताहम उसके टुकड़े कीफ में आकर गिरे जिससे एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। कीफ के मेयर का कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हमले में कोई शख्स जख्मी या हलाक नहीं हुआ है। अस्करी हुकाम का कहना है कि रूस की जानिब से 23 मिसाइल फायर किए गए जिन्हें तबाह कर दिया गया है। यह हमले यूक्रेन के प्रेसिडेंट के सालेनौ के मौके पर खिताब के कुछ देर बाद ही किए गए। आइए नाज़रीन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, उर्दुन के वली अहद ने अपनी शादी की तारीख का ऐलान कर दिया। उर्दुनी शाही दीवान ने उर्दुनी वली अहद शहजादा अल हुसैन बिन अब्दुल्ला दोयम की मोहतरमा रुजोह खालिद असैफ से 1 जून को शादी की तारीख का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता अगस्त में शाही दीवान ने खालिद बिन मूसा बिन सैफ बिन अब्दुल अजीज की ख्वाहिश पर उर्दुन के वली अहद अल हुसैन बिन अब्दुल्ला की मंगनी का ऐलान किया था। अब सऊदी राजधानी रियाद में नौजवान खातून के वली के वालिद के घर शहजादा हसन बिन तलाल की मौजूदगी में बाकायदा ये ऐलान किया गया है। शहजादा हुसैन 1994 में पैदा हुए थे और उन्हें 2009 में वली अहद बनाया गया था। ये ओहदा 2004 से खाली आ रहा था। खैर, शाह अब्दुल्ला दोयम ने सौतेले भाई हमजा को इस ओहदे से हटाया था और अब यह खबरें आ रही है कि उर्दुन के वली अहद की शादी का ऐलान हो गया है और 1 जून को बाकायदा उनकी शादी होगी। नाज़रीन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है काहिरा से, मिस्र से। जी हाँ, खबर कुछ इस तरीके से है।
قاہرہ سے یہ خبر آ رہی ہے اور خبر کچھ اس طریقے سے ہے کہ مصری سیکیورٹی فورس پر حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے اس کی مذمت کی ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے جمعہ کے روز سیکیورٹی فورس پر ہونے والے حملے کی مذمت کی اور مصری حکومت کی حمایت پر زور دیا۔ اس حملے کی ذمہ داری ہفتے کے روز داعش نے قبول کی۔ سعودی عرب نے ہفتے کے روز مصر کے شہر اسماعیلیہ میں ہونے والے حملے کی مذمت کی اور ایک سیکورٹی چوکی کو نشانہ بنایا۔ سعودی پریس ایجنسی نے وزارت خارجہ کے ایک بیان کا حوالہ دیا جس میں سعودی عرب نے اس حملے کی شدید انداز میں مذمت کی ہے۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں ہوتی ہے جوڑوں میں جکڑا؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشو میں مضبوطی آتی ہے۔ آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔